How are you all? Today I am going to explain you chapter number 5, Letters to Friend. This is a letter written by Suhana to her friend Rubin when she spends her holiday in a small lodge called Apni Dhani. Children, you also one or the another way you go to spend your holidays, either you go to your nani and your other relatives, or you travel to some adventurous place. Here Suhana expresses her views about a small lodge Apni Dhani. What she writes to Rubin: "You will never guess where I am. My mother booked a family holiday at Apni Dhani, an eco farm in Rajasthan." वो अपने फ्रेंड से कहती है कि तुम कभी गैस नहीं कर पाओगे कि मेरी मम्मी ने एक फैमिली हॉलीडे जो अपनी धानी इको फार्म है राजस्थान में, जो कि नवलगढ़ में है, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट दैट आई एम फ्रॉम नवलगढ़. इट्स एन अमेजिंग प्लेस. ये बहुत ही बढ़िया जगह है. दे ग्रो ओनली सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विदाउट एनी केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. वो बताना चाहती है कि उस फार्म हाउस के लोग खाली सीजनल वेजिटेबल और फ्रूट्स ग्रो करते हैं अपने फार्म हाउस पर, और वहाँ पे किसी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं किया जाता है. यू कैन प्लक अ फ्रूट ऑफ अ ट्री एंड ईट इट विदाउट वॉशिंग इट फर्स्ट. ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि हम जब भी मार्केट से फ्रूट्स लेकर आते हैं, हम उसे वॉश करते हैं, फिर हम उसे खाते हैं. लेकिन ये कहना चाह रही है कि आप इस फार्म हाउस के फ्रूट्स को डायरेक्ट पेड़ से तोड़कर आराम से खा सकते हैं, इसे धोने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इनमें किसी भी तरह के पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं किया गया है. द प्लेस हैज 7 कॉटेजेस फॉर गेस्ट. इस जगह पे 7 कॉटेजेस हैं गेस्ट के लिए. प्रेजेंटली 5 आर ऑक्यूपाइड. अभी प्रेजेंटली 5 जो कॉटेजेस हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, रहने के लिए दिए गए हैं. अवर 2 रूम कॉटेज हैज मड वॉल्स. हमारे 2 रूम हैं जिन उन कॉटेजेस की वॉल जो है वो मिट्टी की है, वुडन फर्नीचर एंड इज पेंटेड इन नेचुरल अर्थ कलर्स. इट इज वेरी एथनिक एंड सो कॉजी. वो कह रही है यहाँ पे वुडन फर्नीचर है जो कि नेचुरल अर्थ कलर से पेंटेड किया गया है और बहुत ही आरामदायक और बहुत ही मजेदार है, जो कि हमारे टिपिकल कल्चरल से मिलता जुलता है. आई मस्ट मेंशन सम अदर इंटरेस्टिंग फीचर्स एज फार एज पॉसिबल. वो कहती को और भी इंटरेस्टिंग फीचर हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. द फार्म यूजेज अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज. इस फार्म में अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स का यूज किया गया है बिजली के लिए. द लाइट एंड फैंस वर्क ऑन सोलर पावर. लाइट और फैंस जो हैं वो सौर ऊर्जा से चलाए जाते हैं. ऑल द कॉटेजेस हैव कंपोस्ट टॉयलेट्स विच रिक्वायर वेरी लिटिल वाटर फॉर फ्लशिंग. सारे कॉटेजेस में जो टॉयलेट है वो कंपोज हैं, जिनको फ्लश करने के लिए बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है. येट दे आर सो क्लीन एंड देयर इज नो स्टिंक. फिर भी वो इतने क्लीन है और वहां पे किसी तरह की बदबू नहीं आती है. मील्स आर सर्व्ड इन अ सेंट्रल कोर्टयार्ड एंड आर ओनली वेजिटेरियन. मील्स जो है, खाना जो है, वो एक बीच का मेन हॉल है, उसमें सर्व किया जाता है और सिर्फ वेजिटेरियन फूड वहां पे सर्व होता है. द वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स आर ग्रोन ऑन द फार्म. जो वेजिटेबल्स और ग्रेन्स यहाँ यूज किए जाते हैं वो उसी फार्म में उगाए जाते हैं. एवरीथिंग टेस्ट इज फैंटास्टिक. सब चीज बहुत ही फैंटास्टिक है, टेस्ट में बहुत स्वादिष्ट है. वी ईट विद आवर हैंड्स ऑफ लीफ प्लेट्स सो नो क्रॉकरी एंड कटलरी आर रिक्वायर्ड. हम अपने हाथों से खाना खा रहे हैं और हमने लीफ प्लेट्स यूज किए हैं, जिसे हम पत्तल बोलते हैं.
इसीलिए क्रॉकरी और कटलेरी की जरूरत नहीं पड़ रही है। अपनी ढानी रन सेवरल आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप। अपनी ढानी जो है कई आर्ट और वर्कशॉप्स हैंडल करती है, चलाती है। फादर एंड आई अटेंडेड द बंधेज वर्कशॉप एंड लर्नड द ट्रेडिशनल टाई एंड डाई मेथड। वो बताना चाह रही, मैं और मेरे पिताजी जो हैं, हमने बंधेज वर्कशॉप देखी और देखा कि किस तरीके से बंधेज बांधा जाता है और उसे कलर किया जाता है। शिल्पी माई लिटिल सिस्टर वॉन्टेड टू गेट लाख बेंगल्स। जब नवलगढ़ राजस्थान जो है वो लाख बेंगल्स के लिए बहुत फेमस है, वो बताना चाह रही है कि शिल्पी जो कि मेरी छोटी बहन है वो लाख के बेंगल्स सीना चाहती थी। सो मदर टूक हर टू द बेंगल मेकिंग वर्कशॉप। मेरी माँ उसे बेंगल मेकिंग वर्कशॉप पर लेकर गई है। दे बॉट सम लवली बेंगल्स फ्रॉम द क्राफ्टमैन हु रन द वर्कशॉप। और वहां से वो लोग बहुत ही प्यारी प्यारी बेंगल्स लेके आई है। We are here for 4 more days. हम यहाँ पर 4 और दिन रुकने वाले हैं। There is a concert tonight. यहाँ पे आज कोई नाच गाने का प्रोग्राम होने वाला है। In which local performance will give us a taste of Rajasthani music. जिसमें यहाँ के स्थानीय जो कि गायक और नाचने वाले हैं, कलाकार हैं, वो अपनी कला दिखाने वाले हैं। आई होप देयर्स डांसिंग टू। वहाँ पे डांस भी जरूर होगा। आई वुड लाइक टू लर्न सम न्यू मूव्स, क्योंकि डांस देखे मैं इस डांस के कुछ नए एक्शन सीखना चाहती हूँ। आई होप यू लाइक द फोटोग्राफ्स आई हैव सेंड। वो अपने फ्रेंड को पूछ रही है कि मैंने जो फोटोग्राफ्स आपको भेजी हैं वो आपको जरूर पसंद आएंगी। वी विल बी बैक इन मुंबई ऑन 31st मे, लेट्स मीट अप बिफोर स्कूल रीओपन्स। हम 31st मे तक मुंबई वापस पहुंच जाएंगे और हम लोग स्कूल जब खुलेगी तब जरूर मिलेंगे। योर अफेक्शनेट फ्रेंड सुहाना। आपकी प्यारी दोस्त सुहाना। दूसरा लेटर जो है सुहाना को रूबिन लिखती है। जब वो अपने पेरेंट्स के साथ कहीं हॉलीडेज के लिए जाती हैं। अब रूबिन कहाँ गई थी? रूबिन गई थी एक वन मित्रा नेचर कैंप में, जो कि बांदीपुर नेशनल पार्क में है, कर्नाटका में। डियर सुहाना, आई रिसीव्ड योर लेटर द डे माय फैमिली वाज लीविंग फॉर मैसूरू। वो कह रही है, सुहाना मुझे आपका पत्र मिला, आपका लेटर मिला जब मेरा परिवार मैसूरू के लिए जाने वाला था। You know how much my father and I love going on nature walk. वो कह रही है कि तुम्हें पता है कि मेरे पापा और मुझे नेचर वॉक, प्रकृति से कितना प्यार है। हम लोग घूमकर प्रकृति को बहुत अच्छे से देखते हैं। This weekend stay at वन मित्रा नेचर कैंप इन बांदीपुर। इस वीकेंड हम लोग वन मित्रा नेचर कैंप जो कि बांदीपुर में है वहां रहेंगे। इज अ सरप्राइज बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम माय पेरेंट्स। ये एक सरप्राइज बर्थडे प्रेजेंट है फ्रॉम मेरे पेरेंट्स की तरफ से मेरे लिए। माय फादर अ कीन बर्डर इज इन हिज एलिमेंट। मेरे पिताजी जो कि प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं और उनको बर्ड्स देखना बहुत पसंद है, वो भी वहां पर हैं अपने बायनोकुलर्स और कैमरा के साथ में। ही इज आउट सिंस डाउन विद हिज बायनोकुलर एंड कैमरा। यस्टरडे ही टुक अ ब्रिलियंट फोटोग्राफ्स ऑफ अ विसलिंग स्कूल बॉय। कल उन्होंने एक बहुत ही सुंदर फोटोग्राफ एक स्कूल बॉय की विसलिंग करते हुए ली थी। अ मालाबार थ्रश सिटिंग ऑन एन ओल्ड मेटल गेट एंड विसलिंग। एक मालाबार थ्रश की फोटो ली जो कि एक पुराने गेट के ऊपर बैठी हुई थी, विसलिंग कर रही थी। माय ब्रदर साई ट्राइड टू इमिटेट द विसलिंग साउंड बट फेल्ड। मेरा भाई साई जो है उसकी नकल करने की कोशिश करता है विसलिंग करके, पर वो उसकी नकल नहीं कर पाता। वन मित्रा ऑर्गेनाइज नेचर वॉक ट्वाइस अ डे। वन मित्रा के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो नेचर वॉक यानी कि जंगल में घूमने के लिए 2 बार लेकर जाते हैं।
दिस मॉर्निंग वी सॉ अ डीप ब्राउन कलर्ड स्क्विरल विद अ 2 foot लॉन्ग टेल। इस सुबह हमने एक ब्राउन कलर की स्क्विरल देखी, गिलहरी देखी, जिसकी पूंछ जो थी 2 foot लंबी थी। डू यू नो इट कैन लीप अ डिस्टेंस ऑफ ऑलमोस्ट 20 feet एट अ टाइम। अब वो की कहना चाहिए, क्या आपको पता है कि वो छलांग मार सकती है एक बार में 20 feet तक। नेवर नियर अ स्ट्रीम वी साइटेड अ हर्ड ऑफ 30 to 40 स्पॉटेड डियर। पास ही में एक झरना है जहां पे हमने 30 से 40 तक डियर्स देखे, हिरन देखे। दे आर द फेवरेट प्रे ऑफ लेपर्ड। और ये डियर्स जो है लेपर्ड का बहुत ही पसंदीदा खाना है। इवन वाइल ड्रिंकिंग वाटर दे केप्ट अ शार्प लुक आउट। जब वो लोग पानी पी रहे होते हैं तब भी वो बहुत ध्यान रखते हैं फॉर द प्रीडेटर, कि उनके ऊपर कोई शिकारी हमला ना कर दे। आई लर्नड एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, द स्पॉटेड डियर ईट द एंटलर दे शेड फॉर द रिच न्यूट्रिएंट दे कंटेन। मैंने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जाना है कि स्पॉटेड जो डियर्स जो होते हैं वो एंटलर्स को खाते हैं क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वन मित्रा रन अ स्नेक रेस्क्यू प्रोजेक्ट। वन मित्रा जो है एक स्नेक रेस्क्यू प्रोजेक्ट चलाता है। दे रेस्क्यू स्नेक्स दैट हैव एक्सीडेंटली एंटर्ड ह्यूमन होम्स एंड लीव्स देम इन द ओपन। वो उन स्नेक्स को पकड़ते हैं जो गलती से ह्यूमन होम्स यानी इंसानों के घरों में घुस जाते हैं और वहां खुले रहते हैं। दिस अलाउज द स्नेक्स टू रिटर्न टू देयर रेगुलर हैबिटेट। वो वहां से उन सांपों को पकड़कर वापस जंगल में लेके आते हैं ताकि वो वापस अपने घरों में रह सकें, अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट। With the help of one mitra, the forest department has rehabilitated several stolen leopard cubs. One mitra की सहायता से जंगल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने कई लेपर्ड्स के कब्स को बचाया है, उन्हें वापस जंगल में लेकर वो आए हैं। We saw awesome film about how the cubs were rescued and handed reared before being reunited with their mothers. हमने एक छोटी फिल्म देखी कि किस तरह से इन्होंने कब्स को उन शिकारियों से बचाया और उन्हें अपनी माँ से मिलवाया। I am eager to spot leopards, but the chance are slim. हम चाहते थे कि हम leopards देखें पर इसका बहुत कम चांस था। इन द हॉट सीजन दे गो डीप इन टू द फॉरेस्ट, क्योंकि गर्मी का टाइम था और गर्मी के समय में ये जो लेपर्ड्स होते हैं वो जंगल के बीचों बीच चले जाते हैं। देयर इज समथिंग नोवल टू एक्सपीरियंस हियर एवरी डे। यहाँ हर रोज कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। एंड आई हैव टेकन सम अमेजिंग फोटोग्राफ्स। यहाँ मैंने बहुत ही अच्छी फोटोग्राफ्स ली हैं, बट इट्स हार्ट ब्रेकिंग टू सी ट्रैश एंड प्लास्टिक लिटरिंग द फॉरेस्ट। पर ये एक बहुत ही दुखद घटना है कि यहाँ जब हमने कचरा फैला हुआ देखा। वी डू अवर बिट फॉर कलेक्टिंग द ट्रैश ऑन अवर नेचर वॉक। हमने कुछ अपने वॉक के दौरान कुछ कचरे इकट्ठा करके फेंका। वी आर गेटिंग बैक ऑन 3rd June। हम 3 जून तक वापस आ जाएंगे। यू मस्ट कम टू माई प्लेस ऑन 5 जून। 5 जून को आप मेरे घर जरूर आना क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे है, माई बर्थडे, एंड ब्रिंग द फोटोग्राफ्स यू हैव टेकन एट अपनी ढानी। और वो फोटोग्राफ्स भी अपने साथ जरूर लेके आना जो आपने अपनी ढानी में खींची हैं। बेस्ट विशेस रूबीना। नेचर इज अ ब्यूटीफुल एंड बाउंटीफुल एंड वी हैव अ वाइटल रोल इन प्रिजर्विंग इट। हमारा प्रकृति बहुत ही सुंदर है और हम सबका एक छोटा छोटा रोल होता है इसे बचाने में। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर।